जब आप संगत में बैठते हो, दरबार में आते हो, एक व्यक्ति का सुनते हो, दूसरे व्यक्ति का सुनते हो, तो वहां से आपको मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन का मतलब कि भाई उसका देखा अच्छा उसका हुआ, अब आप देखो कि जो 60-65 साल की बुढ़ियां एक बैठ रही हैं, ये कभी ऐसी की कंडीशन में यहाँ आई थी, तो ये हीलिंग होती है, प्रॉपर हीलिंग होती है। ये ऊर्जा ना आप लोगों को ना दिखती है ना इसका पता लगता है, ये इस तरह से भी ठीक होते हैं। इस तरह से जैसे ये कह रहे हैं भाई बाहर जाना है, ये जाना, देखो ऐसा है, इस चीज के लिए तो इतना नहीं होता ना, लेकिन ये है कि जब शक्ति होती है ना भाई का, अगर हम उनको कह दे भी ये नाम है, फलाना है, बाहर जाना है, ये काम है, तो अगर उनको दिखती है कि ये अड़चन की वजह से नहीं जा पा रही है, तो वो अड़चन दूर कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आपका भाग्य ही बदल देंगे। अगर भाग्य में लिखा ही नहीं है विदेशों की यात्रा और विदेशों का जोग ही नहीं है, तो महारानी जोग नहीं बना देगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपके भाग्य में है कि बाहर देशों विदेशों की यात्रा है और किसी वजह से अड़चन है, उस वजह को भगवती हमको बताती है कि ये वजह है, इसको हटा दे और उसका आ जाएगा, और नहीं आएगा तो बोल देगी कि नहीं होगा, इसका भी ऐसा नहीं है। ये चीज तो होती है। अब वैसे ही जॉब का होता है, सभी लोग कहते हैं, और बीमारी का तो 100% का होता है, क्योंकि मैंने जितने भी अपने जीवन काल में यहाँ काम किया है, जितने टाइम से भी मैं लोगों को देख रही हूँ, मैंने ये देखा है कि जितनी भी लोगों के शरीर में बीमारियां बनी है, दी गई है, ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां जो दवाई से भी ठीक नहीं होती, दवाई नेड़े भी नहीं लगती, और कुछ रोगों के बारे में आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी के साथ, आप रोग ग्रसित ही रहते हैं, कई कई बीमारियां ऐसी होती है, वो चीज हील होती है मंदिर में दरबार में बैठ करके, वो ठीक होती हैं। और अगर वो बाई दिव्य दरबार में बैठने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, फिर उसको पकड़ने के लिए हमको बाई दाता जाना पड़ता है, आवाहन भगवती का करना पड़ता है, हमें शरीर में घर में जा करके उस चीज को ही करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, उसके द्वारा भी उस तरह भी ठीक करना। ये सब तरह की विद्या हमको खुद माँ भगवती भगवान बाबा सब सिखाते हैं, तो इसके द्वारा भी लोगों को ठीक किया जाता है। खासकर मेरे यहाँ पर तो इतना है कि उसने किसी ने पांचों की बागे भजन निरंतर सुन लिया, कंटिन्यू बैठे बैठे ही दर्द, जिसकी मतलब पीठ दर्द है, कान दर्द है, मुंडे दर्द है, वो चीजें ऐसी ऐसी तो यहाँ बैठने मात्र से ठीक हो जाती है, दरबार में उस चीज ठीक रहती है। कई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, वो धीरे 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 ही, हम भी बीमार होते हैं, ऐसी बात नहीं, हमको नहीं मार, हम अपना हील कर लेते हैं, हमको माँ भगवती बताती है, ये डाइट चार्ट भी बोलेगी, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, दवाई भी खा साथ में, और हम खुद को भी इसी तरह की ओर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बीमारी नहीं होती, या हमको बीपी नहीं होता, या हमको शुगर नहीं होती। एक्सेस अगर हम किसी चीज का अनलिमिटेड कुछ खाएंगे, खाने का परहेज नहीं रखेंगे, तो हमको भी होएंगे। ऐसा नहीं कि हम अवतार है और हमको बीमारी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम तुमको जल पड़ के देते हैं और कि हम ये जल नहीं पीते हैं। हमारा दोनों पैन का नियम होता है, तब यहाँ रखा जल ये वाला रखा, अभी शाम को ले जाएंगे, पियेंगे, सोएंगे, और सुबह वाला फिर पियेंगे, सुबह का सुबह पिए, दिन में पियेंगे, रात वाला फिर सुबह पियेंगे, हमारा भी नियम ऐसा ही होता है। और हम भी निरंतर रोज जल पीते हैं, पूरा परिवार पीता है, ये नहीं है कि तुमको देते हैं, हम तुम जैसे मनुष्य है, हमको भी ऐसी बीमारियां लगती, बल्कि तुम लोगों की इकट्ठी करके ज्यादा लग जाती है, फिर वो भी अपना शरीर हमको सुबह शाम मांजना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, और घंटों पूजा में बैठना होता है, तुम लोगों की बीमारियां बैठ बैठ के दूर करनी पड़ती है। जिन भी लोगों को गंभीर समस्या है, उनको टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, अपनी श्रद्धा बना लो, बीमारानी तू ठीक कर ना कर, मैंने तेरे द्वार 5 बार 10 बार आना ही आना है, उसके बीच तू मेरे को ठीक कर दे। ना जाने कौन सी हस्ती दरबार में आ जाए, कौन सा मतलब कि कौन सी शक्ति आ जाए, और तब हम क्या कहते हैं, जब हमको पूरा लगता है पूरे जोर में पूरे शक्ति आई है, हम क्या कहते हैं, वो हमसे एक ही बात बोलते हैं कि बोल क्या काम है, हमको आवाहन किया है, हमको बुलाया, तो मेरा कभी नहीं होता है कि मैं ये बोलूं कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो, मैं कहती जितनी संगत बैठी इनके दुख ले जाओ। अब जो बाद में आएंगे, जब ये खत्म हो गया, सारा कुछ हो गया, उनको मैं क्या दूंगी, क्या दूंगी, क्या मैं दूंगी उनको, तो इसलिए ऐसा करा करो, पहले जगह मल्ला करो। अब ना जाने किसके मन में क्या है, किसके अंदर क्या बीमारी है, किसके अंदर क्या बीमारी है, मुझको नहीं पता, उनको सब पता, बाबा को सब पता, उसका दुख दर्द पीड़ा वो ले गए और